अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आइए हम ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला हिस्सा है कशर अर्ज़। कशर अर्ज़ किसे कहते हैं? ज़मीन का सबसे ऊपरी हिस्सा ठोस शक्ल का है, इसे कशर अर्ज़ कहा जाता है। कशर अर्ज़ की मोटाई हर जगह यकसा नहीं होती, इसकी औसत मोटाई 30 से 35 किलोमीटर है। बर्रे आज़मों के नीचे इसकी मोटाई 16 से 45 किलोमीटर के दरमियान होती है। पहाड़ी इलाकों में इसकी मोटाई तकरीबन 40 किलोमीटर से ज़्यादा और समंदरी फर्श के नीचे 10 किलोमीटर से भी कम होती है। सतह ज़मीन के नीचे जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, दर्जे हरारत में इजाफा होता जाता है। इसके बाद वस्ती खोल में दर्जे हरारत के बढ़ने के तनासब में कमी वाकई होती है, लेकिन मगज के इलाके में फिर से दर्जे हरारत में इजाफा होता है। ज़मीन के मरकज में 5500 यानी 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक दर्जे हरारत होता है। कशर अर्ज़ के वस्ती खोल और मगज के मुकाबले में बहुत कम मोटाई है। कशर अर्ज़ के दो ज़ेली हिस्से है, पहला है बर्रे आज़मी गिलाफ और दूसरा है बहरे आज़मी गिलाफ। पहले हम बर्रे आज़मी गिलाफ के बारे में समझते हैं। बर्रे आज़मी गिलाफ यानी क्या? बर्रे आज़मी गिलाफ ये खुसूसन सिलिका और एल्युमिनियम, इन बुनियादी अनासिर से बना है। इन अनासिर की मकदार ज़्यादा होने की वजह से पहले इस तह को सयाल कहा जाता था। चट्टानी कुर्रे की कसाफत 2.65 से 2.90 ग्राम मकब सम है। इसकी औसतन मोटाई 30 किलोमीटर है। इस तह में उमूमन ग्रेनाइट चट्टाने ही पाई जाती है। कशर अर्ज़ का दूसरा हिस्सा बहरे आज़मी गिलाफ कहलाता है। ये बहरे आज़मी गिलाफ कशर अर्ज़ की दूसरी तह होती है। ये तह सिलिका और मैग्नीशियम के आमेजे से बनी हुई है। पहले इसे साइमा कहा जाता था। इस तह की मोटाई औसतन 7 से 10 किलोमीटर के दरमियान है। बहरे आज़मी गिलाफ की कसाफत 2.9 ग्राम मकब सम से 3.3 ग्राम मकब सम है। इस तह में उमूमन बिसाल्ट और गेब्रो चट्टाने ही पाई जाती है।